अपनी गाड़ी का सर एयरपोर्ट से निकल रहे पहुंच गए थे। अच्छा जी, और अशफाक सर की थोड़ा तबीयत जो है बरोबर ठीक नहीं है। ओहो, तो शायद उनका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आया, तो उनके जो रिलेटिव है वो आ गए, उनके भाई। हाँ, कोई रिलेटिव है उनके, आ गए वो भी। अच्छा जी, उनकी आवाज भी सेम उनकी जैसी है। अच्छा जी, और ये जो खत्री जी, हाँ जी, उनके, हाँ उनके रिलेटिव भी, वो तो उदय सिंह तो चले गए आपको मालूम, उनकी डेथ हुई। हाँ, तो उन्होंने किसी को भेजा रिलेटिव को। ठीक है, पांच लोग आ गए सर। अच्छा जी, चलिए ठीक। प्रोग्राम तो कल सुबह है जी। जी सर, सुबह सर। अच्छा जी, हेलो हेलो, हाँ आमिर निकालो, मतलब इतन हमारे सहारनपुर से जहाँ से मैं आया हूँ, दो तीन डिग्री है जी वहाँ, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। भाव अर्गुले बार बोल दो, मतलब आठ वास्ता इधर आमिर, आठ वास्ता हो रात जीवन भर खेले अंतर क्या मतलब, नहीं आवाज तुमची आवाज येत नाही, आवाज कटा था तुमची। हाँ हाँ हो बरोबर, हाँ हाँ, तू किती वेळ लागलो, हो हो ओके ओके ओके। सर ये भी एक इतिहास होने जा रहा है जी, कि देश आजाद होने के बाद में आप लोग को लोग ने भूल गए थे और विदर्भ की जनता ने आज तक याद नहीं किया। ठीक है ना जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे ना कैसे ये संधि आप लोगों के आशीर्वाद से, ये हम सब भाइयों के सहयोग से, ये संधि का हमें मौका मिला जी, बड़ी बड़ी बात है ना। और ये आपके कदम जो है हमारे नागपुर जिले के कांटी क्षेत्र में पड़ रहे, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत, और हम भी बहुत सौभाग्यशाली है कि सर ये समझो कि ये अवसर विदर्भ में पहली बार हमको मिला। जी जी, बहुत शुक्रिया, अपने आप को अपन सौभाग्य, बहुत बहुत धन्यवाद। वाक्य में अगर मैं तो सर मेरा ये मानना है कि अगर पूजा करना है, अगर पूजना है तो वो आजाद जो क्रांतिकारी लोग उनके परिवार को पूजना चाहिए, है ना। सही भगवान सही ईश्वर तो वही है। धर्म के प्रति हमारा विरोध नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जो जो हकीकत है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ सर। ठीक बात है, मैं भी लगभग 25 साल सर मैं केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल में हवालदार था, और एक भावना के साथ में मैंने ये सोचा था कि भाई अपने जीवन का कम से कम कुछ चीजें जो है समाज के लिए लगाई जाए। तो कब रिटायर हुए जी आप? सर मैंने 17 में त्यागपत्र दिया। अच्छा, उस टाइम पे मेरी एज थी 45। अच्छा जी, और 7 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से आज बहुत काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और मैंने और मेरी मिसेज ने बॉडी भी अपनी जो है मरने के बाद में मेडिकल को डोनेट कर दिया हमने। अच्छा जी, हमारा क्रियाक्रम नहीं होगा सर। ठीक, और मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों का सत्कार सम्मान हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। नहीं, आपकी ये भावना है बहुत बड़ी है। इसके बाद अपना कार्यक्रम यूपी में होगा सर। अच्छा जी, चंदौसी में। अच्छा, वो आए हैं मेरे छोटे भाई लगते हो। अच्छा जी, उमेश दिवाकर जी। वाह, ये सर हमारी टीम है, ये विजय खौसे जी है जी, और ये भीमराव लोढ़ारे जी है। अच्छा, ये छोटा भाई रोहन खोपरा। हम दोनों मीडिया से है। अच्छा जी, बस लेकिन मेरे लिए भाई है सर, वो दोस्त है, अच्छे मित्र है। ठीक बात है, हम डिजिटल मीडिया चलाते सर। अच्छा जी, इनकी 1 लाख के ऊपर फॉलोअर है सर। बहुत बढ़िया जी, वाह। और यूट्यूब ने इनको सिल्वर बटन दिया है इनको। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है।
आपके प्यार ने और अर्गुल जी वार के प्यार ने खींच के लाया है। सही बात है जी। नहीं मैं बहुत उत्साह है जी अर्गुल वार जी कर रहे हैं सर, आप लोगों का आशीर्वाद है तो बहुत बहुत कहीं ना कहीं। कितने महीने हो गए जी लगातार संपर्क में। बॉडी क्रॉस कर दिया मैंने। हाँ 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 किरण जी सिंह सर भी हमारे साथ में गाड़ी में सबसे मुलाकात हो गई दूसरे से वहाँ पर। ठीक ठीक ओके। या सगळे तिकडे वा तिकडे वा अशोक हा दादा दादा हां अशोक तिकडल्या साइडला फोटो घेतो नाही गार्डन की तरफ लेना है ना फिर ऐसे लीजिए ऐसा लीजिए आ जाओ रोहन आ जाओ। हां नहीं उधर माझा परिचय देना। हाँ 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 संगना अर्गुल रिवार जी से संगना। अर्गुल रिवार जी ये माजी सैनिक है। ये इतने शहीद जो हुए उनके परिजनों का ये कल सत्कार ले गए हैं कामठी में और इसी उपलक्ष्य में ये हमारे भगत सिंह जी के जो भतीजे परिजन है पुतनी है और वो हमारे कामठी में आए हैं और ये खास करके इनका बहुत बड़ा देश के लिए योगदान रहा है आपको तो मालूम ही है और अपने लघु वेतन कॉलोनी में भी आए बहुत बड़े सौभाग्य में बहुत बड़ी बात मतलब देश आज़ादी के बाद में 2 साल पहले मोदी साहब ने ये कार्यक्रम शुरू किया था भूल गया था इनको लेकिन विदर्भ के अंदर ये पहली बार ही कार्यक्रम हो रहा है आज़ादी के बाद में और उसका वीडियो उठाई थी तेजस संस्था ने हमने उनको ढूंढ निकाला और एक बार अपने हमारा चल रहा है और हमारे हमारे कार्य के बारे में बता दो कैसे क्या संस्था तेजस बहुद्देशीय संस्था कामठी में ये अपना कौन सा एरिया है वो डॉक्टर चौधरी है मेन रोड पे उसके सीधा गए तो मेरे बाहर आता है बहुत सारी काम करते हैं सोशल वर्क काफ़ी चलता है ये कल का कार्यक्रम का। अच्छा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। गूगल पे भी आप देख सकते हैं संस्था को अपने। अच्छा ओके सर मैं सहारनपुर जैसे पंजाब में है गांव को जलंधर के पास लेकिन अब सहारनपुर है क्या ना ग्रुप फोटो क्या ना एक ग्रुप फोटो क्यों चलो चलो ओके लगा हम देखो पाटिल साहब होना फोटो काटो ना पाटिल साहब उबे रहने अरे होना अरे ऐसी रहे ना हम घबराओ रहे आइए आइए हम फिर रहे थे तो पाटिल जी बहुत घबरो रहे ठीक है ओके तो
चंदोसी से दो छोटे भाई आए थे। अच्छा जी, उनके लिए वो गाड़ी मार गई थी। अच्छा, उनके साथ में फिर उनको रेडी कर दिया। चलो घर में आप बैठ के बोलो। नहीं बहुत व्हीकल। अच्छा, उसके ऊपर से मैंने कार्यक्रम रखा होता है। अच्छा, काम बगा सिंह चे लहान भाऊ कुलभ सिंह चे चंद्रशेखर आजाद चे कोणी वंशज जी बिल्कुल। मेरा पैतृक गांव तो जालंधर के पास है जी। ये है किरणजीत सिंह जी। अच्छा अच्छा, जो उतना नहीं मन का अपन भगत सिंह क्या भाई थे भगत सिंह कुलबल सिंह भूल गया कुलदास सिंह। आम्ही आता तिकडे चालो उद्या ऐकासाठी तिकडे या मोठा कार्यक्रम आहे। राजगुरुचे पण आलेले आहे। राजगुरु भगत सिंह जी कुछ कुछ तो ऐसे हिडन स्टोरी रहती है जो सिर्फ वही घर वालों को मालूम रहती है। आणि देखो ये देखो की आज नंतर यांना लोकांना विसरून गेले। काम केला, काम केलंय, काम केलंय खरं देव खरं मनीष पाटील यांना पूजा करा, यांना पूजा तुम्ही। आज जो अपन जो खुले घूम रहे हैं ना, मैंने मेरे मेरे भाषण में कई बार बोला, बोलता हूं बिल्कुल, कई इंटरव्यू मेरे हुए इसके ऊपर में, और इतिहास आज इनको बिल्कुल इनके पन्ने कोरे कर दिया है। दुर्दैव आता जे आता जे चालू आहे त्याच्यामध्ये तर आता क्लिअर दिसत आहे, विनाश आहे। म्हणजे तुम्ही ते जे प्रयत्न करत आहे हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा, हा सफल नाही होणार आहे। चाय 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 के बाद फटाफट चाय के बाद सर कितनी